सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाले हैं जो कि आयुर्वेद में जो दुर्बलता होती है उसमें इसको महाऔषधि कहा गया है। इस औषधि का प्रयोग दुर्बलता को नष्ट करने के लिए, शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है। ये 2.5 ग्राम की पैकिंग में आता है और इसका रेट है 352 रुपये, जो कि समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, ये जो मकर ध्वज गुटिका है, मकर ध्वज के और भी कई सारे बहुत सारे में आते हैं, जैसे सिद्ध मकर ध्वज स्पेशल है और मकर ध्वज बटी है, मकर ध्वज षडगुण बलजारित है। इस तरीके की बहुत सारी औषधियाँ मकर ध्वज से बनाई जाती हैं और मकर ध्वज विशेष रूप से जो है पूर्ण रूप से कमजोरी को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये आयुर्वेद का एक महा रसायन है जो शारीरिक दुर्बलता को नष्ट करने और शारीरिक बल बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं ये किन किन रोगों में काम करता है और इसको कैसे इसको लिया जाना चाहिए, और विशेष रूप से जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, जो दुबले पतले होते हैं, वे इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और वज़न बढ़ाने के लिए। और इसका एक ख़ास बात और भी है, इससे जो वज़न बढ़ता है वो जेन्युइन बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे पाउडर आजकल जो ज़्यादातर लोग खाते हैं, पाउडर कैराटीन वगैरह इस तरीके के जितने भी सप्लीमेंट लेते हैं, उनको लेने से शरीर का वज़न तेज़ी से तो बढ़ता है लेकिन उतनी ही तेज़ी से गिर भी जाता है। लेकिन इस मकर ध्वज गुटिका का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये जो आपका वज़न बढ़ाएगा, ये ठोस वज़न बढ़ाएगा, ऐसे ही कहीं भी आपके मांसपेशियों को वैसे ही नहीं बढ़ा देगा कि जैसे पेट पर चर्बी बढ़ा दी। ये आपकी मसल्स को डेवलप करता है और आपके शरीर में नए खून का संचार करता है और बल की वृद्धि करता है। ये कितने रोगों में काम करता है और भी इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, हम आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कौन कौन से द्रव्य इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें इस्तेमाल किया गया है मकर ध्वज, स्वर्ण भस्म, जातिफल जिसे हम जायफल के नाम से भी जानते हैं, कपूर, कस्तूरी या कस्तूरी के साथ इसमें अंबर, अभाव में इसमें अंबर प्रयोग किया जाता है, लौंग, काली मिर्च के सम्मिश्रण से तैयार होता है और भी अन्य इसमें कई औषधियाँ में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके गुणों की बात करें तो ये अत्यंत ही, जो इसमें आप देख सकते हैं, इसके साथ एक पर्चा भी आता है, इसमें आप देख सकते हैं पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई होती है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, ये विशेष रूप से जो अत्यंत कमज़ोर लोग हैं उनको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये वाजिकारण औषधि के होने के साथ साथ ये शरीर के बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है और ये अग्नि और बल वीर्य को बढ़ाती है और ये जो भोजन होता है उसको अच्छे से पचाती है। लेकिन इसका एक ये प्रभाव भी है कि इसको आप लगातार इस्तेमाल करें और इसको जब तक प्रयोग करें आप ऐसा सात्विक भोजन करें जिससे कि जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए सुपाच्य हो, ऐसा भोजन आप करिए। और इसके साथ साथ आप पौष्टिक आहार ज़रूर इसके साथ लीजिए तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी और बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल करने से जो है शरीर के कमजोरी तो दूर होती है, साथ साथ ये सेक्सुअल कमजोरी में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये प्रमेह, वीर्य का विकार जितने भी होते हैं उन सब में एक बेहतरीन औषधि है। इसके साथ साथ ये जो धातु क्षीणता के रोगी होते हैं उनको भी ये बहुत अच्छा सूट आता है और जो धातु क्षीण हो चुकी है उसको ये पुष्ट करता है और उसको
पुष्ट करके शरीर में बल बढ़ाता है। शरीर का वजन ये ऐसे ही नहीं बढ़ाता, ये सभी धातुओं को जो है एक एक करके सभी को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाता है और उसकी पूर्ति करता है, तब जाके शरीर का ये वजन बढ़ाता है, जो कि भविष्य में फिर वजन कम नहीं होता। यही कारण है, और इसके कारण एक जो है शरीर में एक एनर्जी बनी रहती है और शरीर को ये एक अजीब ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि आप जैसे देखा होगा बीमारी के बाद की कमजोरी या अन्य किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये शीघ्र पतन के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। इसका इस्तेमाल शीघ्र पतन में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने से जो है बहुत ही अच्छी नींद आती है और इससे मानसिक बल भी बढ़ता है, यानी मानसिक रोगों को भी ये दूर करती है। इससे संभोग काल में भी वृद्धि होती है और संभोग की शक्ति भी बढ़ती है। इसको ढलती उम्र में जैसे बड़े जो लोग हैं 45 के पार वे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा वजन के लोग हैं उसको मैं इसकी सलाह नहीं देता, आप फिर भी इसको वैद्य के निरीक्षण में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो ज़्यादा वजन के लोग हैं उनको इसका प्रयोग ज़्यादा उम्र में इसका प्रयोग अपने चिकित्सक से की देखरेख में करना चाहिए। वैसे इसका अगर जो कम वजन के लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट है, जो बढ़ती उम्र जो उसका प्रभाव होता है उसको नष्ट करने के लिए और बढ़ती उम्र में भी संभोग शक्ति बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है। इसके अगर मात्रा की बात करें तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसकी एक एक गोली सुबह शाम आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं दूध के साथ और शाम को सोते समय खाना खाने के करीबन 2 घंटे का गैप आपको इसमें रखना चाहिए, और इसको जिस दूध के साथ आप लेना है उस दूध को जो है अच्छे से ओटाया हुआ होना चाहिए और उसमें चीनी की बजाय मिश्री अगर आप डालते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके साथ साथ जब भी इसका सेवन करते हैं तो इसमें इसके सेवन काल में आपको घी दूध और ताजे फल जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं उसका सेवन अधिक मात्रा में करिए, ताकि आपका जो शरीर है वो अच्छे से इसको जो हजम कर सके और उसको पौष्टिकता प्रदान कर सके। इससे संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें लाइक करके ज़रूर बताइए और आप कमेंट में भी लिखिए आपको यह जानकारी कैसी लगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को शेयर भी करें ताकि और भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आपको किसी भी औषधि की या जड़ी बूटी की आवश्यकता है और आपको नहीं मिल रही है तो आप हमसे संपर्क करके मंगा भी सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भविष्य में भी ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।